मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को कौन नहीं जानता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का मुंबई के नागपाड़ा इलाके में काफ़ी दबदबा था और 2014 में हसीना पारकर की मौत हो गई। हसीना पारकर के मुंबई नागपाड़ा स्थित गार्डन हॉल में घर है जहां वो रहती थी, मगर अब इस घर को सफेमा अथॉरिटी ने जब्त कर लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से संबंधित विदेशी मुद्रा हेराफेरी अधिनियम सफेमा अथॉरिटी ने घर को जब्त कर लिया है। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को भी 2017 में इसी घर से विशेष अधिकारी प्रदीप शर्मा ने गिरफ्तार किया। सफेमा अथॉरिटी विदेशी मुद्रा तस्करी, जोड़ तोड़ और उनके परिजन रिश्तेदारों की अवैध अर्जित संपत्ति को नीलामी और जब्त करने से संबंधित है। सफेमा की धारा 68F के अनुसार भगोड़ों के रिश्तेदारों से जुड़ी संपत्ति भी संलग्न की जा सकती है। हसीना पारकर की संपत्ति को सन 1998 में वित्त मंत्रालय द्वारा पारित आदेश से संलग्न किया गया था। हसीना पारकर की मौत के बाद इस केस को उनके बेटे अलीशा पारकर ने चुनौती दी। सफेमा अथॉरिटी ने मुंबई के नागपाड़ा स्थित गार्डन हॉल में पारकर के घर को जब्त किया है। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दाऊद की संपत्तियों की जब्त करने का निर्देश दिया। दाऊद के परिवार द्वारा संपत्तियों की कुर्की के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी इनकी कई संपत्तियां नीलाम की गई हैं। रेस्टोरेंट, फ्लैट, पेट्रोल पंप, कई ऐसी चीज़ें और भी नीलाम हुई हैं। अधिकारियों ने बिना किसी पुलिस संरक्षण के दाऊद की संपत्तियों की नीलामी की है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।